रामनवमी को लेकर हजारीबाग में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस प्रतिबंध के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। एक ओर विधायक मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में इसे लेकर आवाज उठाया है, तो दूसरी तरफ हजारीबाग में कुछ युवा भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। युवाओं का ये कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये आग्रह करना चाहते हैं कि इनका स्थिति पहले की अपेक्षा अब खराब हो रही है। यहाँ से हमको गया किसी अगल बगल के आदमी से फ़ोन किया कि आइए थोड़ा सा इनसे मिलिए, तो ज़्यादा स्थिति खराब होने के चलते हम थोड़ा मिलने आए और आ करें। यहाँ हम वीडियो मैडम से बात की कि मैडम इनका स्थिति खराब हो रहा है तो क्या किया जाए, तो मैडम बोले कि ठीक है हम देखते हैं। उनके कहने के मुताबिक लोसिंगना थाना से प्रशासन आए और आकर अभी देख कर गए। अभी मजिस्ट्रेट भी आने वाले हैं तो उतना देर हम रुकेंगे यहाँ पे जब तक कि वो आए नहीं। और इनका अगर स्थिति खराब हो रहा तो इलाज यहीं पे करवाने की कोशिश करेंगे। और हम तो ये कहने आए इनका कि आप पेंशन तोड़ दीजिए, इसमें ही सबका भलाई है, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरा नहीं हो रही, इस वजह से ये तैयार नहीं हो रहे। सबसे पहले तो सभी जितने आपके चैनल से जुड़े सभी बंधु को हमारा जय श्री राम, महात्मा। हमारा तीन सूत्री मांग है। सर्वप्रथम मांग करके जो रामनवमी महासमिति का चुनाव होता है, बहुत से अखाड़े लोगों को मालूम नहीं चलता है कि हमारे यहाँ वोटिंग हो रहा है, तो उन लोगों को लीगल नोटिस करवाना था। दूसरा डीजे की मांग को लेकर है, 144 की मांग को लेकर के है। और तीसरा नशा मुक्त प्रोसेशन। धनबाद में जनवितरण प्रणाली डीलर्स के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर की सेवाओं पर आधारित कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप सिंह ने की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वैसे पीडीएस डीलर जो सीएससी लेने के लिए नामित हुए हैं उनको सीएससी में दी जाने वाली सभी सर्विसेज की विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण देना है। कार्यशाला के माध्यम से ट्रेनिंग का ये पहला कदम है, इसके बाद प्रखंड स्तर पर पीडीएस डीलरों को ट्रेनिंग मिलेगी। प्रज्ञा केंद्र जो आप गांव में देखते हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज जो देते हैं, उसी तरह इनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको हम लोग बाकी जो इंटीग्रेशन है सीएससी के साथ में वो कर रहे हैं, ताकि आधारभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से लोगों को दी जा सकें। दूसरा, चूंकि हर सर्विस का एक निर्धारित कमीशन या राशि भी उनको मिलनी है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए भी ये अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट वर्कशॉप, अभी करीब 450 डीलर हैं धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों के, जिनके साथ में प्रारंभ किया है। और ये वो पीडीएस शॉप्स हैं जहाँ पर आधार सीडिंग 95% या उससे ज़्यादा लोगों की हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे ई डिस्ट्रिक्ट के सर्विसेज हों, प्रमाण पत्र संबंधी सेवाएँ हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है मोबाइल से या इंटरनेट के माध्यम से, ई स्टोर सिस्टम है सीएससी का, अन्य सुविधाएँ जो हैं, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड सेवाएँ हैं, आधार अपडेशन या उससे रिलेटेड सेवाएँ हैं, तो वो ये लोग कर सकें, वो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित करें।